दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में आया रिंकू सिंह का तूफान अंतिम ओवर में तूफानी बल्लेबाजी कर दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की याद। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जहां पर 5 रन पर 2 विकेट गिर गए और सूर्य कुमार यादव ने टीम को संभालते हुए अपना शतक लगाया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ने लगा तो मैच के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम वापसी करने लगी। इस बीच भारतीय टीम के 35 ओवर में 195 रन पर 5 विकेट गिर गए, जिसके बाद में रिंकू सिंह ने आकर टीम को संभाल लिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने 36 ओवर में 2 रन के साथ अपना खाता पहली ही गेंद पर खोला। इतना ही नहीं, रिंकू सिंह ने इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने के साथ 44 ओवर में 2 गेंद पर 2 चौके लगाते हुए केशव महाराज के सामने अपना अर्धशतक 35 गेंद पर पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह अब काफी तेजी से बल्लेबाजी करने लगे, जहां पर उन्होंने 48 ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 चौके सिमिलाने को लगाए और अंतिम ओवर में मार्को जेंसन के सामने अंतिम 4 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए अपना शतक मात्र 53 गेंद पर पूरा कर लिया और अंत तक नाबाद रहे, जहां पर अब रिंकू सिंह ने 53 गेंद पर 8 छक्के और 12 चौके की मदद से 103 रन का योगदान दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने 325 रन बना दिए। तो दोस्तों, रिंकू सिंह की तूफानी पारी को 10 में से आप कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।